हाँ जी, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y, बस आगे तो हो जाएगा, फिर कोई चक्कर ही नहीं आएगा। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हाँ, और 1 का डेरिवेटिव 0। सो 2y माइनस एक्स इन टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई, सो डी वाई बाय डी एक्स इज वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। कहाँ जरूरत, फंक्शन पावर फंक्शन है, मतलब मैं वैसे भी प्लस है इन बिटवीन, क्या करोगे आप? एक और कर दो जरा, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस टेन इनफिनिटी। कॉस एक्स के नीचे ये पूरा 1 प्लस साइन एक्स, फिर ये 1 प्लस कॉस एक्स। सेटअप की आज जरूरत नहीं है, नहीं मैडम निकाल देना जब भी टाइम मिले निकाल देना, और अगर वो निकले हुआ है मेन वाला, मेन वाला वो दे। दोबारा बोलो, y इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस y, बस अब तो इसका एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करना है इसको। 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। आप या तो यू अपॉन वी लगा सकते हो या इसको इधर शिफ्ट कर लो तो सिंपल हो जाएगा, ज्यादा यू अपॉन वी लगाने से बेटर है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू वी तो फिर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन हमेशा यू इंटू वी लगाना बहुत आसान है। यू अपॉन वी में कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, सो यू अपॉन वी तो अवॉइड ही करते हैं हम। आंसर मैं लिख देती हूँ, बोलूंगी तो दो तो गलतियां मैं करूंगी और दो तुम कर लो। वन प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कहाँ पर आंसर यही है, अब तुम देखो तुमने कहाँ गड़बड़ और डाला किया। यहाँ पर पहली टर्म आएगी dy by dx, फिर आएगा 2y dy by dx माइनस y into माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dy by dx। अब अगर आप dy by
कहाँ पर? साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, माइनस साइन एक्स। अच्छा मैं ऊपर लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा तो। डिफ्रेंसिएशन करके पहली टर्म dy by dx, दूसरी टर्म 2y dy by dx, y into cos x का डिफरेंशियल y into minus sin x plus cos x into dy by dx is equal to 1 plus y, sin का डिफरेंशियल cos, sin को as such रखा 1 plus y का डिफरेंशियल dy by dx। अब dy by dx की टर्म्स को जब इकट्ठा करोगे तो 1 plus 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डीवाई बाय डी एक्स, वन प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई आ गया। चलो जी, अच्छा एक क्वेश्चन करके बताना जरा, देखो कुछ याद है पिछला। हाँ जी, क्वेश्चन है G is the inverse of, पिछले टॉपिक में से क्वेश्चन है पर देख लू याद है कुछ कि भूल गया। G is the inverse of F, inverse of F, F dash X is 1 upon 1 plus X power 5, what is the value of G dash X? अच्छा नहीं दिख रहा है, ब्राइटनेस कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, क्या कर दूं बोलो? ज्यादा कर दूं ब्राइटनेस, पहले इतना ब्राइट है बेचारा वो। ठहर दो। हाँ भाई मैंने बोल दिया, अब तुम ऐसा करना वीनू मैम से बात करना, ठीक है? अब देखो क्या करूं, मार्कर फेल हो गया। अब ऐसा है मैं मार्कर में इंक डाल देती हूँ, ठीक कर दिया मैंने। हाँ मैं डाल दूंगा, तुम ये क्वेश्चन करो, मैं इतनी देर जरा मार्केट में नहीं करा। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ मैंने। जी बताएगा कोई आंसर? ऑप्शंस दे दूं फिर तुक्के मारना आसान है। वन प्लस जी की पावर फाइव, सॉल्व ही करना पड़ेगा बिकॉज आंसर है नहीं मेरे पास। आई हैव टू सी व्हेदर दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर। हाँ जी, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। हाँ
हाँ ये आंसर। बताओ जी करूं क्या? G is inverse of F, so I write G as F inverse X. I can write F of G of X is equal to X. अब जब आप F of G of X का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? मुझे g डैश x चाहिए, दैट इज 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। मुझे f डैश x ये गिवन है, तो f डैश ऑफ g ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस gx की पावर 5, और मुझे चाहिए इसका रिवर्स, सो 1 प्लस gx की पावर 5। ये क्वेश्चन इस बार JEE मेन का क्वेश्चन है। हमने क्या ध्यान दिया? G is the inverse of F। जाओ, मुझे लग रहा है एक बार दोबारा इसमें कर दो। हाँ जी, इस बार JEE मेन का क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया तुम्हें। क्या बताना है? बाकी टॉपिक के साथ साथ ही करते रहेंगे, बीच में इधर घुसाएंगे तो दिक्कत होगी फिर। हाँ जी, नेक्स्ट हमें करनी है डिफरेंशिएशन। क्या हो गया अब? ये कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारी। जी है इनवर्स ऑफ एफ। अगर मैं अब दोनों तरफ एफ के साथ कंपोजिशन ले लूं, तो आपको बताया था जब फंक्शन और इनवर्स की कंपोजिशन करते हो तो एक्स बचता है, आइडेंटिटी फंक्शन बचता है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? एफ डैश जी ऑफ एक्स का डिफरेंशियल जी डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1। आ गया तो कुछ भी नहीं है, देख लो अब। g डैश x चाहिए था 1 अपॉन f डैश g ऑफ x। f डैश x की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 5। आपको x की बजाय कहाँ चाहिए? g ऑफ x पर चाहिए, तो यहाँ भी x की जगह g ऑफ x कर दिए, यहाँ भी x की जगह g ऑफ x कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी, क्या होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? पढ़े थे हमने, अगर आपको याद हो प्लस वन में। किसी के याद है सर्कल के, पैराबोला के, किसी के याद है? जब हम x और y दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, देन वी से x एंड y आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द थर्ड पैरामीटर। सपोज अगर आपको याद हो, पैराबोला में हम कहते थे x a t स्क्वायर y 2a t। तो t इज द पैरामीटर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन की, उसमें क्या था? x एज ए फंक्शन ऑफ y गिवन था, या x और y का कंबाइंड फंक्शन गिवन था, इम्प्लिसिट फंक्शंस गिवन थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तीसरा वेरिएबल में इंट्रोड्यूस हो गया, जिसको कि हमने कह दिया पैरामीटर। x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। अब यहां से मुझे निकालना है dy by dx। अब x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? We will differentiate x with respect to t. x t
टी का फंक्शन है, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं डिफरेंशिएट करेंगे. एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, सो विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी. हाँ जी क्या कह रहे हो आप बोलो. अगर dx by dy, अभी बता देती हूँ पहले ये कर, इसी में से निकाल दूंगी. dy by dx भी निकल जाएगा, dx by dy भी निकलेगा, दोनों ही निकलेंगे. दोनों के लिए पहले आपको dx by dt निकालना है, that is 280. सिमिलरली y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x. अब अगर आपको dy by dx चाहिए तो कर दो dy by dt डिवाइड by dx by dt, that is 2a upon 2at 1 by t. और अगर आपको चाहिए dx by dt तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी dx by dy, dx upon dt upon dy by dt, that is 2at upon 2a, that is t. लॉग x गिवन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है. अगर आपको dx upon dy निकालना है तो क्या करोगे, 1 by x into dx upon dy. इसमें दिक्कत किधर है, किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब ये डिपेंड कर रहा है, अगर log x है विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मेरे पास ये वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उससे डिफरेंट है, तो dx by dy आ जाएगा साथ में. अगर सेम को मैं विद रिस्पेक्ट टू x करती तो 1 upon x into dx by dx which is 1, so we say the differential is 1 upon x. हाँ जी और कुछ, ठीक है जी, ये समझ में आ गया. पैरामीटर फंक्शंस x और y विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ सम अनदर पैरामीटर, x और y दोनों को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और फिर डिवाइड करके आप अपने आंसर dy by dx पे पहुंचोगे. ठीक है जी, लिखो जी क्वेश्चन है. x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. फाइंड आउट डी वाई बाय डी एक्स. वाई इज माइनस कॉट थीटा बाय टू, माइनस नहीं आ रहा, cot theta by 2 आ रहा है dy by dx. जब x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, a इज अ कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 साइन का cos, और dy by d थीटा a साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. नाउ dy by dx निकालने के लिए dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड करना है. 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सो आई विल हैव कॉट थीटा बाय 2 एज द आंसर. हाँ हाँ अच्छा, ये इसको छोड़ देंगे थीटा को. अगर x माइनस साइन x होता तो x का डिफरेंशियल गायब हो जाता, 1 नहीं आएगा क्या, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो अभी, थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा.
नेक्स्ट देखो, x इज इक्वल टू a secant cube theta एंड y इज इक्वल टू a tan cube theta. फाइंड dy by dx at x is equal to pi by 3. Sorry, at theta is equal to pi by 3. Find dy by dx at theta is equal to pi by 3. साइन 60 के बराबर रूट 3 अपॉन 2.